डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, ध्वनि प्रदूषण शरीर के सुनने की प्रणाली को प्रभावित करने के साथ ही स्मृति में बाधा पैदा कर रही है। वाहनों के परिवहन की वजह से शहरों में प्रदूषण की दर गांवों की तुलना में अधिक है। वाहनों, फैक्ट्रियों और उद्योगों से निकलने वाले धुएं शहरों में स्वच्छ हवा को प्रभावित कर रहे हैं, जो कि सांस लेने के लिए उचित नहीं है। बड़े सीवेज सिस्टम से गंदा पानी, घरों से अन्य कचरा, कारखानों और उद्योगों से उत्पाद सीधे नलियों, झीलों और महानगरों को मिल रहे हैं। ज़्यादातर ठोस अपशिष्ट कचरा और अन्य अनुपयोगी वस्तु लोगों द्वारा भूमि पर फेंके जाते हैं, जो कि फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। शहरों में अधिकांश लोग सिर्फ अपने क्षणिक खुशी के लिए जन्मदिन, विवाह या अन्य अवसरों के दौरान काफ़ी हद तक शोर प्रदूषण फैलाते हैं। वाहनों की बढ़ती संख्या की वजह से शहरों में सभी सड़कें दिन भर यातायात के पूर्ण होते जा रहे हैं, जो कि वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। अंततः मनुष्यों द्वारा बना प्रौद्योगिकी उन्नति पृथ्वी पर सभी प्रकार के प्रदूषण का मुख्य कारण है, कोई और नहीं बल्कि मनुष्य खुद ही। दुनिया भर में प्रदूषण रूपी एक गड्ढा खोद रहा है और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न कर रहा है। जो महानगर है उसमें भी झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर मैं दिल्ली का भी जिक्र करूं तो लगभग 53% ऐसे लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में आज भी निवास कर रहे हैं। हमारी सरकार की योजना इस प्रकार की है कि लगभग 47% लोगों को ही हम लोग मकान मुहैया करा पाते हैं। जीवन की गुणवत्ता दिन ब दिन गिरती जा रही है, क्योंकि प्रदूषण एक रक्षक की तरह काम कर रहा है और विभिन्न प्रकार के बीमारी जैसे कि उच्च रक्तचाप, गुर्दा रोग, सांस की बीमारी, कैंसर, महामारी, त्वचा रोग आदि का कारण है। प्रौद्योगिकी उन्नति की आधुनिक दुनिया में प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय मुद्दा बन गया है, जो कि पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित कर रहा है। प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भू प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। सभी प्रकार के निस्संदेह पूरे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रहे हैं, अतः जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं। मनुष्य के मूर्ख आदतों से पृथ्वी पर हमारी स्वाभाविक रूप से सुंदर वातावरण दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वाहनों के बढ़ती संख्या की वजह से उत्पन्न हानिकारक और जहरीली गैसों का उत्सर्जन, कारखाने और खुले में आग जलाना वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। जीवन को बेहतर बनाने की भीड़ में हर कोई अपने आसान दैनिक दिनचर्या के लिए अच्छी तरह से संसाधन चाहता है, लेकिन वे अपने प्राकृतिक परिवेश के बारे में जरा सा भी नहीं सोचते पाई पेराचेंज। इसलिए मैंने मान्यवर इस बिल को यहाँ प्रस्तुत किया है, इस आशा और उम्मीद के साथ कि इस विधेयक को जो मैंने प्रस्तुत किया है और जिसमें इन सारी बातों का
उल्लेख किया गया है उनको सरकार बहुत गंभीरता से ले और गंभीरता से लेने के बाद निश्चित रूप से इस ढंग से ठोस कदम उठाए जाएं ताकि जो खाई आम आदमी, गरीब आदमी और अमीर आदमी के बीच में ज़्यादा बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वह पार्टी जा सके। आंकड़ों के माध्यम से हम लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, लेकिन ये आंकड़े हम लोगों को संतुष्ट करने वाले आंकड़े नहीं हो सकते हैं। आम आदमी की आंखों से निकले आंसुओं को पोंछने की दृष्टि से इन आंकड़ों का कोई असर नहीं होने वाला है। इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है कि योजना आयोग को आप निर्देश दें कि इस प्रकार की योजनाएं बनाएं जिनसे हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएं, ताकि हम जो हमारे विभिन्न नेताओं का लक्ष्य था, वर्तमान सदी में हम विकसित देश के रूप में कहलाएं और हम सम्मान के साथ अपने देश का नाम विदेश में जाकर ले सकें, वह पूरा हो सके। इससे अपने देश के लोगों का जब जिक्र होगा, चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, जब हम प्रतिनिधि मंडलों के बाहर जाएंगे तो हमारे देश में रहने वाले लोगों की बेहतरी का हम वहां जिक्र कर पाएंगे। ज़्यादातर वायु प्रदूषण रोज़मर्रा की सार्वजनिक परिवहन के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैसें हैं जो कि वायु को प्रदूषित करती है और वातावरण में ऑक्सीजन के स्तर को कम कर रही हैं। उत्पादक कारखाने भी लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वायु प्रदूषण के लिए बड़ा योगदान कर रही है। निर्माण प्रक्रिया के दौरान कारखानों के द्वारा कुछ विषाक्त गैसें, गर्मी और ऊर्जा रिलीज होती है। कुछ अन्य आदतें जैसे कि खुले स्थान पे घरेलू कचरे को जलाना आदि भी हवा की गुणवत्ता बिगाड़ रही हैं। वायु प्रदूषण इंसान और जानवरों में फेफड़ों के कैंसर सहित अन्य सांस की बीमारियां उत्पन्न कर रही हैं। जल प्रदूषण भी एक बड़ा मुद्दा है जो सीधे समुद्री जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि वे अपने उत्तरजीविता के लिए केवल पानी में पाए जाने वाले पोषक तत्वों पर निर्भर रहते हैं। धीरे धीरे समुद्री जीवन का गायब होना वास्तव में मनुष्य और जानवरों की आजीविका पर असर डालेगा। कारखानों, उद्योगों, सीवेज सिस्टम और खेतों आदि के हानिकारक कचरे का सीधे तौर पर नदियां, झीलों और महासागरों के पानी के मुख्य स्रोत में मिलाना ही जल को दूषित करने का कारण है। दूषित पानी पीना गंभीर स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न करता है। उर्वरक, कवकनाशी, शाकनाशी, कीटनाशकों और अन्य कार्बनिक यौगिकों के उपयोग के कारण मृदा प्रदूषण होता है। यह परोक्ष रूप से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, क्योंकि हम मिट्टी में उत्पादित खाद्य सामग्री खाते हैं। भारी मशीनरी, वाहन, रेडियो, टीवी, स्पीकर आदि द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के कारण है, जो कि सुनने की समस्याओं और कभी कभी बहरापन का कारण बनती है। हमें
प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। स्टॉप।